यदि आप वन्य जीव प्रेमी हैं और एक संपूर्ण वन्य जीव अवकाश की तलाश कर रहे हैं तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए सही जगह है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है जिसे 1977 में स्थापित किया गया था। पार्क 490 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत नेपाल सीमा के साथ लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का इतिहास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का है। इस क्षेत्र का उपयोग भारत के ब्रिटिश शासकों द्वारा शिकारगाह के रूप में किया जाता था। 1958 में इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। लक्ष्य दलदली हिरणों की आबादी की रक्षा करना था जो कि विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहा था। अभयारण्य को 1977 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उन्नत किया गया था और इसमें अतिरिक्त क्षेत्रों को जोड़ा गया था। आज दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों की एक विविध श्रेणी का घर है जिसमें बाघ, तेंदुए, हाथी, आलसी भालू और पक्षियों की 450 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। पार्क व्यापक रूप से अपने अद्वितीय परितंत्र के लिए जाना जाता है जिसमें घास के मैदान, दलदल और घने जंगल शामिल हैं। पिछली जनगणना के समय पार्क में 1500 हिरण और 100 बाघ थे। पार्क में एक सींग वाले गैंडों की भी काफी संख्या है। स्तनधारियों की 40 विषम प्रजातियों के अलावा अन्य मुख्य वन्य जीव आकर्षण हाथी, सुस्त भालू, सियार, जंगली सुअर, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और सीविट है। दुधवा प्रवासी पक्षियों की काफ़ी अच्छी श्रृंखला का घर है जो सर्दियों के दौरान चित्रित सारस, काले और सफ़ेद गर्दन वाले सारस, सारस क्रेन, कटफोड़वा, बारबेट किंगफिशर, मिनी वैन, मधुमक्खी खाने वाले बुलबुल और शिकार के विभिन्न रात के पक्षी यहाँ पर बसते हैं। पार्क नेपाल के साथ अपने उत्तरी हिस्से को साझा करता है जबकि इसकी दक्षिणी सीमा सुहेली नदी के किनारे फैली हुई है। पार्क बिली अर्जन सिंह के दिमाग की उपज है जो भारत के प्रमुख वन्यजीव संरक्षणीय दलों में से एक है जिन्होंने दलदली हिरण के अभयारण्य के रूप में दुधवा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में उन्होंने सफलतापूर्वक हाथ से पाला और दुधवा के जंगल में चिड़ियाघर में जन्मे बाघों और तेंदुओं को पेश किया। पार्क को 1987 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था जब इस क्षेत्र में बंगाल टाइगर की महत्वपूर्ण आबादी पाई गई थी। दुधवा टाइगर रिजर्व भारत के उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में एक संरक्षित क्षेत्र है जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य सहित 1284 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है जिसमें बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडे, दलदली हिरण, तेंदुआ और पक्षियों की कई प्रजातियां शामिल हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व एक महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र है और इसे घर कहने वाली लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रिजर्व स्थानीय समुदायों की आजीविका के सुधार करने और विकास के एक स्थायी साधन के रूप में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहा है। दुधवा उत्तर भारतीय मौसम का पालन करता है। मार्च से जून तक गर्मियाँ काफ़ी गर्म होती हैं और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। सर्दियों के दौरान मध्य अक्टूबर मध्य मार्च मौसम ठंडा और सुखद होता है जो 20-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इसलिए सर्दियों के मौसम के लिए ऊनी कपड़े ले जाने का सुझाव दिया जाता है। मानसून के महीने में पार्क बंद रहता है क्योंकि साल के इस समय के दौरान पार्क बंद रहता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर और मई के बीच है। पार्क 15 नवंबर से 15 जून तक जनता के लिए खुला रहता है। पार्क में जीप सफारी की सुविधा है। ट्रैंकुलाइजिंग गन के साथ एक गाइड के साथ साथ वन अधिकारी भी आपके साथ होंगे। वैकल्पिक रूप से आगंतुक हाथी सफारी का भी विकल्प चुन सकते हैं। ओपन 4WD सफारी वाहनों में दैनिक जीप सफारी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक। वन अधिकारी सहायता के लिए कोई जीप सफारी या गाइड प्रदान नहीं करते हैं। सफारी वाहन के लिए निजी तौर पर व्यवस्था करनी पड़ती है। पार्क तक रेल और सड़क दोनों से पहुंचा जा सकता है। दुधवा रेलवे स्टेशन दुधवा में पर्यटक परिसर से लगभग 4 किलोमीटर दूर पार्क के ठीक बीच में है।